दाऊद गैंग कुठे ही ऍक्टिव्ह दिसली तर त्यांना ठेचून काढण्यात येईल। जो है इस देश में दोबारा अपने पांव पसार रहा है, ये बात तो सरकार को भी जानकारी है और सरकार ने इसीलिए दाऊद इब्राहिम के ऊपर एक 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। छोटा शकील जो मेन गुर्गा 20 लाख का इनाम घोषित किया है और बाकी लोगों पर 15 लाख का इनाम घोषित किया है। यहाँ पे मुंबई में भारत में इस वक्त दाऊद इब्राहिम का जो मेन गुर्गा है, जो छोटा शकील का साड़ू है, सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट, वो यहाँ पे सक्रिय है और लगातार सक्रिय था। वो भी पहले दुबई भागा था मगर 2006 में एक्सट्रैडिशन करके सरकार यहाँ पे लाई थी मकोका के अंतर्गत, उसको जेल भेजा गया था। फिर 6 साल जेल में रहने के बाद 2016 में दोबारा बाहर आ गया, 2016 में दोबारा गया, अब तीसरी बार भेजा गया है क्योंकि सरकार ने ये पाया है कि वो बिल्डर्स के थ्रू बिल्डर्स को धमका के बिल्डर्स से मिलीभगत करके पैसा यहाँ पे रियल इस्टेट के सेक्टर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो कि टेरर फंडिंग के लिए भारत में काम आ रहा है, काम आएगा। तो मेरे पास जो एक क्लिपिंग थी जिसमें कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है भिंडी बाज़ार एरिया में, भिंडी बाज़ार एरिया में जो जगह की बात मैं कर रहा हूँ 16.5 एकड़ की जगह है, जो कि एक शेफानी बुरानी अपलिफमेंट ट्रस्ट को क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए दी गई है 2011 में। वही इलाका है जिसमें कि जो दाऊद इब्राहिम है वो उसका वहीं पे घर था, वहीं पला बड़ा, वहीं से उसने सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करी थी जब 84 में जब तक भागा था, उससे पहले वही इलाका था, वहीं प्रॉपर्टीज़ भी थी उसकी स्वयं की, उसकी पत्नी महजबीन मेंशन के नाम से, उसके भाई अनीस के नाम से और बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी और उसके तमाम गुर्गे भी वहीं रहा करते थे। तो वो सारा इलाका उनको रीडेवलप करने के लिए दिया गया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जो SBUT है जिन्होंने वहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि सब इलीगल तरीके से बना रहे हैं, जो कोई कानून कायदे का पालन नहीं कर रहे हैं, वो SBUT एक प्रकार से दाऊद इब्राहिम का ही बेनामी एक ट्रस्ट है और जिसने कोई एक अंडरवर्ल्ड की प्रोटेक्शन की वजह से कोई भी कानून कायदे का पालन ना करते हुए सड़कों को बंद कर दिया, जो मुख्य रास्ते थे जो कि आर पार जा रहे थे, थोरोफेयर थे, और उसकी जगह पतली पतली गलियाँ बना दी अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस उसके लिए, अपने जो उनके इंस्ट्रक्टर थे बुरहानी सेक्टर के, जो उनके दाऊद बोरा कम्युनिटी बुलाते हैं, उनके लिए मज़ार के लिए एक बहुत बड़ी जगह उन्होंने बना दी मज़ार बनाने के लिए, फिर एक मस्जिद बना दी और वो रास्ते सारे 3 रास्ते बड़े बड़े जा रहे थे वो बंद कर दिया। तो यदि एक किसी वक्त आग लग गई उस एरिया में तो आग बुझ नहीं सकती क्योंकि फायर टेंडर्स वहाँ पर घूम ही नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो जा ही नहीं सकती क्योंकि उसकी जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने और सारा इलाका भी जल के राख हो जाएगा। तो वहाँ पे जो टेररिस्ट का एंगल है वो इससे इस्टेब्लिश होता है, जो मैंने एक क्लिपिंग दी आपको, सलीम जो फ्रूट है वो वहाँ पे ये कह रहा है उसी वहीं पे खड़े होके कि हमने दादागिरी करके पूरा इलाका खाली कराया, एक कॉन्ट्रैक्टर को धमका रहा है उसके किसी आदमी को, और मेरा भी 1.5-2 करोड़ रुपये बकाया है वो भी नहीं दिया है और हमने कोई नहीं था तो हमने दादागिरी करी। तो वहाँ पर उन्होंने जो जितने भी लोग थे जो रह रहे थे रेजिडेंट से, उनको इन्होंने कुछ पैसा दे के खाली करा लिया जगह उसको, और उनके साथ में कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया कि हम उनको जगह देंगे दोबारा, उनको उन्होंने एश्योर कर दिया कि हम देंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये जगह बना रहे हैं वहाँ पे, वो जगह बन के कभी कंप्लीट हो नहीं सकती क्योंकि इन्होंने अंडरवर्ल्ड के प्रोटेक्शन की वजह से कोई कायदे कानून को, और कुछ नेताओं के पिछली सरकार के नेताओं के वर्दहस्त में कानून को कुछ समझा ही नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 20% के लिए डाउन करी थी कि रिजर्व ग्रीन एरिया नीचे होना चाहिए, रिकेशनल ग्रीन एरिया जहाँ पे नीचे, वो भी कोई भी नहीं छोड़ा, और सड़कें जो बंद करने का मुख्य मामला है जिसको जो अगर आग लगी तो पूरा पूरा इलाका, वही इलाका नहीं बल्कि भिंडी बाज़ार पूरा जल के राख हो जाएगा। तो अगर वो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको बाद में रुकेगा, टावर्स को तोड़ेगा, पूरा राष्ट्रीय नुकसान होगा, जिस प्रकार से सुपरटेक के ट्विन टावर्स को तोड़ा गया वही हश्र होगा। तो मैं इसीलिए चेताने यहाँ पे आया हूँ कि इस वक्त तो स्टॉप वर्क है, मेरी पूरी तैयारी थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन चूंकि स्टॉप वर्क नोटिस इशू हो गया, मैंने नोटिस पहले 10 अगस्त को दिया था, फिर 21 अगस्त को दिया था, 27 अगस्त को स्टॉप वर्क जारी हो गया,
कि स्टॉप वॉच तब तक लिफ्ट ना करें जब तक इस सारे एंगल की पूरी तरह जांच हो जाए, और जो टेररिस्ट वाला एंगल है, दाऊद इब्राहिम वाला एंगल है, अगर ये पाते हैं कि वास्तव में जिसका पुख्ता सबूत है, जिसका मैंने एविडेंस भी दिया है, अगर वो है तो SBUT को सरकार को टेक ओवर करना चाहिए, राज्य सरकार को ही बनाना चाहिए और अपने जो जनता है, अपने क्षेत्र उसके राज्य की जनता है, उसके वेलफेयर के लिए उसके इलाके को डेवलप करना चाहिए पूरी तरीके से। सड़कों को जो रास्ता है उसको दोबारा से खोलना चाहिए, जैसे रास्ता पहले बना हुआ था पूरा पूरा चौड़ा रास्ता आर पार का, वो चालू रखना चाहिए। और जो फायर के जितने भी नॉर्म्स हैं, जो भी सरकार के बिल्डिंग प्लान के नॉर्म्स हैं, पूरी तरीके से कंप्लाई होने चाहिए। देखिए ऐसा है कि उसमें एक उन्होंने जब सरकार आई MVP की, महा विकास अघाड़ी की, तो स्टॉप वर्क लगा हुआ था, तो इन्होंने स्नो स्टॉप वर्क को लिफ्ट कर लिया, हटा दिया। उसके बाद एक लेटर जारी किया, जो इसके चेयरमैन थे SBUT के, उन्होंने एक लेटर एप्रिसिएशन लेटर दिया है उद्धव ठाकरे को, जो एक छोटा सा बच्चा उनका लड़का है बताते हैं उनका, वो उनको दे रहा है कि आपने हमारे सहयोग किया है और हम इसलिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको, और वो सारी फ़ोटो सब जगह छप रही है। तो एक तरीके से उससे ये एक मैसेज जाता है कि सरकार का पूरा बर्दाश्त है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है। इसी प्रकार से एक फ़ोटो नवाब मलिक की भी है, वो बैठे हुए हैं उस चेयरमैन के साथ में, वो चेयरमैन खाना खा रहे हैं उसके साथ में, वो बैठे हुए हैं। तो नवाब मलिक पर बहुत बड़ा आरोप है कि वहाँ पर जितनी वक्फ प्रॉपर्टी थी, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, वक्फ मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी बहुत सस्ते में और गलत तरीके से करके वक्फ के साथ में वो सारी SBUT को ट्रांसफ़र करा दी उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें सरकार की बहुत बड़ा बर्दाश्त था, तभी इनकी हिम्मत पड़ी कानून कायदों का उल्लंघन करने का। अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन था, अंडरवर्ल्ड का पैसा था, और साथ में जो वहाँ की सरकार था उसका बर्दाश्त होने के कारण सारे कानूनों को ताक पर रख दिया, सारे उसको उल्लंघन करके इन्होंने बनाया है, जो कि जनता के लिए बिल्कुल अनसेफ है, अनसिक्योर्ड है। तो इसलिए पूरा का पूरा दोबारा से उसको, अगर वो पूरा का पूरा ठीक तरीके से बना लेते हैं, अगर सारा का सारा कंप्लाई करते हैं और टेररिज्म वाला एंगल अगर निकल जाता है, तब तो उसको बनने देना चाहिए, नहीं तो सरकार उसको टेक ओवर करे और कानून कायदे से पूरे चीज़ को बनाए।